हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस रूल्स ऑफ नाउन पार्ट नंबर 4। कल आपको रूल्स ऑफ नाउन का जो हमने पार्ट 3 सेंड किया था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और जो कुछ रूल्स लेफ्ट रह गए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस। अब देखेंगे इसमें क्या मिस्टेक है, कहाँ पे गलती है और कैसे आप फाइंड आउट करेंगे एरर्स को। ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है लॉट्स ऑफ एडवाइसेस, प्रॉब्लम इस पोर्शन में है। ठीक है, तो आपको पता है कि एडवाइस का प्लूरल क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा है एडवाइसेस, कभी एडवाइसेस नहीं हो सकता। ये हमें रूल कंफर्म होना चाहिए कि एडवाइस को आप कभी भी एडवाइसेस नहीं लिखेंगे, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि पहली बात तो एडवाइस को ये एडवाइसेस कर रहा है, दूसरी चीज लॉट्स भी लिख रहा है, लॉट्स ऑफ एडवाइसेस, जबकि कभी भी लॉट्स ऑफ एडवाइसेस इसका प्लूरल नहीं होता है, तो इसका आप प्लूरल क्या लिखेंगे, लॉट ऑफ एडवाइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही गेव मी अ लॉट ऑफ, यहां से लॉट से आप यस को रिमूव कर देंगे और एडवाइसेस से आप यस रिमूव कर देंगे, अब आपका आंसर राइट हो गया, ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, उसने काफी ज्यादा मुझे सलाह दी, ये करेंगे। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसे आंसर्स में हम ऐसे करेक्ट करने के लिए आप पीसेस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं, एडवाइस का प्लूरल पीसेस ऑफ एडवाइस होता है, या फिर अ लॉट ऑफ एडवाइस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप विशेष ध्यान रखेंगे, कभी भी एडवाइसेस का यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, गिव हिम सम ब्रेड्स, उसे कुछ ब्रेड्स दो। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनका कभी प्लूरल नहीं होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि आप कभी भी ब्रेड्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे कभी आप मशीनरीज नहीं लिख सकते, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी आप मशीनरीज नहीं लिख सकते, कभी आप इंफॉर्मेशन नहीं यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, हमेशा क्या राइट करेंगे, इंफॉर्मेशन राइट करेंगे। कभी आप मशीनरीज नहीं लिखेंगे, हमेशा मशीन का यूज किया जाता है। कभी पोएट्रीज नहीं होता है, हमेशा क्या लिखेंगे, पोएट्री लिखेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड्स भी आपको ध्यान रखने हैं कि कभी पोएट्रीज नहीं होगा, कभी सीनरीज नहीं होगा, कभी मशीनरीज नहीं होगा, कभी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, कभी ब्रेड्स नहीं होगा, ऐसे वर्ड्स हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। तो आप यहां क्या कर देंगे, ब्रेड से यस को रिमूव कर देंगे, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या बचता है, गिव हिम सम ब्रेड, उसे कुछ ब्रेड दो। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका करेक्ट हो गया, फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, माय ब्रदर रैन 5 माइल्स रेस, मेरा भाई 5 मील रेस दौड़ा। अब देखिए यहां पे एक कंपाउंड वर्ड दिया, ध्यान से समझिएगा, जब कभी कोई कंपाउंड वर्ड आ जाता है और ये काम अब किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का यूज कर रहा है, तो उसके बाद हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब नाउन होगा, 5 मील रेस। कभी प्लूरल में फिर आप जब यहां नंबर दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, तो आप यहां प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, माय ब्रदर रैन 5 मील रेस। ठीक है, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला जो सेंटेंस है काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, दिया हुआ है माय वाइफ्स ब्रदर सन हैज कम। अब देखिए यहां पर इस सेंटेंस में रूल क्या फॉलो कर रहा है, यहां पे अपोस्ट्रॉफी यस का यूज किया और यहां पे भी अपोस्ट्रॉफी यस का यूज किया। अब रूल क्या होता है बच्चों, कि कभी भी हमें एक सेंटेंस में कभी डबल पजेसिव केस का यूज नहीं करना होता है, डबल अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करना होता, ये आपको ध्यान रखना है। यहां भी अपोस्ट्रॉफी यस का यूज कर रहा है, यहां भी अपोस्ट्रॉफी यस का यूज कर रहा है, तो आपका जो सेंटेंस है रॉन्ग है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हमें अपोस्ट्रॉफी यस डबल नहीं यूज करना चाहिए। तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा, तो कह क्या रहा है कि मेरी वाइफ के भाई का बेटा आ चुका है, मतलब आया कौन है, बेटा आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिक करेंगे सन को, बेटे को, और आंसर क्या लिख देंगे, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, है ना, वाइफ के भाई का बेटा आया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहां से लिख दे रहा हूं, द सन
द सन ऑफ माय वाइफ्स ब्रदर हैज कम। देखिए अब इसका सेंस क्या हुआ, द सन बेटा ऑफ माय वाइफ्स ब्रदर, वाइफ के भाई का, ठीक है, हैज कम, ये आपका राइट आंसर हो रहा है, द सन ऑफ माय वाइफ्स ब्रदर हैज कम। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जब कभी आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बना लेंगे और डबल अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। ओके, मींस यहां पे आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जा रहा है, द सन ऑफ माई वाइफ ब्रदर हैज कम। ओके, तो आई थिंक इस सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। याद करिए लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जब कभी किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा हमेशा प्लूरल होगा। अब ये देखिए हमें यहां पर मिस्टेक मिल जा रही है। सेंटेंस क्या है, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, नाउन क्या है, पोएट है, तो ये ध्यान रखिएगा जब वन ऑफ दिया होगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने इस रूल को आपको बताया था, तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा बच्चे, प्लूरल होगा हमेशा, तो आप क्या लिखोगे, पोएट्स हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। ऐसे आप सेंटेंस राइट करेंगे कि जो कालिदास है वो भारत के महान कवियों में से एक है, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। आपको इसका सेंस भी समझ में आना चाहिए तभी ये क्लियर हो पाएगा। सेंटेंस क्या कह रहा है, कालिदास है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, मींस भारत के महान, सबसे महान कवियों में से एक है। क्लियर हो गया, तो आप ये रूल ध्यान रखिएगा, ईच ऑफ वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल में ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो आपका 4 और 5 भी कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। इन समाचारों ने हमारे दिमाग की शांति को क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। तो आपको बहुत अच्छे से रूल पता है कि कभी भी न्यूज प्लूरल सेंस में यूज नहीं होता है, हमेशा दिखने में प्लूरल होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट वो हमेशा एज अ सिंगुलर यूज किए जाते हैं, जैसे न्यूज है, फिजिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, इनिंग्स है, ठीक है, सराउंडिंग्स है, ये वर्ड दिखने में प्लूरल हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये सभी वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, न्यूज है आपके सेंटेंस में दिया हुआ है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, इनिंग्स है, सराउंडिंग्स है, ये सारे वर्ड हमेशा सिंगुलर में आते हैं, तो आगे आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। तो हैव की जगह आप क्या लिख दोगे, हैज लिख दोगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक मिस्टेक यहाँ, अब देखिए दूसरी मिस्टेक क्या है इस सेंटेंस में, यहाँ लिख रहा है दीज न्यूज, जब न्यूज सिंगुलर होता है तो कभी उसके पहले हम दीज नहीं लगाएंगे, क्योंकि दीज किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, दिस लिखेंगे, ठीक है, यहां पे आप क्या राइट कर देंगे, दिस न्यूज। अब आपका आंसर राइट हो जाएगा, दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माय माइंड। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को राइट कर लेंगे। और हाँ, आपको डेली एक वीडियो मिलेगा सिंटेक्स से रिलेटेड, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। आर्टिकल के 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आपको दे चुके हैं। सिंटेक्स का जो दूसरा रूल है, रूल्स ऑफ नाउन, नाउन का एक वीडियो आपको कल मिला था, आज एक वीडियो आपको मिलेगा। और ऐसे ही इसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कॉन्जेक्शन, सभी के वीडियोस आपको मिलेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए लर्न विद अशोक, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ हर्ड ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कह रहा है कि शीप का जो एक समूह है, झुंड है, वो क्या कर रहा है, खेत में चर रहा था। अ हर्ड ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए इसमें मिस्टेक क्या है,
कुछ गलती दिख रही है आप लोगों को, अ हर्ड ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब कभी शीप आ जाती हैं तो उसके लिए कभी भी हम हर्ड नहीं लिखेंगे बेटा, हर्ड की जगह पर आपको क्या लिखना होगा, फ्लॉक लिखना होगा, झुंड होता है, तो आप हर्ड को यहां से हटा देंगे और हर्ड की जगह क्या राइट कर देंगे, फ्लॉक राइट कर देंगे, FLOCK, और फ्लॉक ऑफ शीप होता है, तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। आप यहां पर क्या राइट करेंगे, फ्लॉक राइट करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया, अ फ्लॉक ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका आंसर राइट हो जाता है। 6-7 भी करेक्ट सेंटेंस हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मेजर, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चा है वो सफर कर रहा है किससे, मेजर से, खसरा से। तो आपको ये भी लास्ट वीडियो में आई थिंक जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था आप लोगों को, वहां पे मैंने बात की थी कि जो दो बीमारियों के नाम हैं वो हमेशा ये प्लूरल, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं, उसमें से एक मेजर भी है जिसको आप क्या करेंगे, मेजर्स लिखेंगे, कभी भी मेजर नहीं लिखा जाएगा। तो ये रूल भी आप ध्यान रखिएगा, मम्स आ जाए, मेजर्स आ जाए, ये हमेशा किस फॉर्म में होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाता है। तो क्या हो गया राइट आंसर, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मेजर्स, क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 9, आई लाइक वेजिटेबल, कभी वेजिटेबल नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, वेजिटेबल्स होगा। देखिए गलतियां बहुत छोटी छोटी हैं, आप लोगों को लगेगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, लेकिन आप गलती कर जाएंगे यदि आप ध्यान से उसको नहीं समझेंगे, तो आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना होने पाए आपसे कि आपका एक दो नंबर रॉन्ग हो जाए, ओके। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, इसके बारे में भी मैं बात कर लूं, जैसे कभी भी वर्ड लिखने को आ जाए, टॉन्ग्स, ट्राउजर्स, वेजिटेबल्स, है ना, स्पेक्टिकल्स, तो ये वर्ड हमेशा किस में होते हैं, सीजर्स, हमेशा प्लूरल में होते हैं, और इनके साथ आगे जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, से ट्राउजर्स आ जाता है, सीजर्स आ जाता है, टंग्स आ जाता है, तो आप इनके आगे वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कभी वेजिटेबल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, वेजिटेबल्स होगा, क्लियर। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं इस वीडियो का, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एबलनेस, ही वॉन्ट्स, वो चाहता है टू इम्प्रूव, सही करना, हिज रीडिंग एबलनेस, अपने पढ़ने की क्षमता को। अब देखिए यहाँ पर कैसे मूर्ख बना रहा है, रीडिंग लिख रहा है उसके बाद एबलनेस लिख रहा है, जबकि कभी एबलनेस नहीं होगा बेटा, इम्प्रूव किसको किया जाता है, एबिलिटी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एबिलिटी, क्षमता, ठीक है। तो ये आपका आंसर राइट हो गया, एबलनेस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, आप क्या लिखेंगे, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज रीडिंग एबिलिटी, ओके। तो ये सारे सेंटेंसेस जो लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप सेंटेंसेस हैं, मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउन एक्सप्लेन करेंगे, एक या दो वीडियो में आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउन सारे मिल जाएंगे, और ऐसे ही आप सारे वीडियोस देखते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।